Swayam Prabha, Digital India, Educated India. स्वच्छता का समाजशास्त्र पाठ्यक्रम में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज ये स्वच्छता का समाजशास्त्र पाठ्यक्रम का तीसरा व्याख्यान है जो जाति और स्वच्छता के अंतर संबंधों पर आधारित रहेगा इसमें हम इस बात पर विश्लेषण करेंगे कि जाति किस तरह से स्वच्छता से और स्वच्छता किस तरह से जाति से प्रभावित होती आ रही है और हो रही है आज के समय में भी इससे पूर्व के व्याख्यान में जो कि स्वच्छता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य था उसमें हमने देखा था कि किस तरह से भारतीय समाज में परंपरागत रूप से मान्यताओं के आधार पर हमारे पास कई ऐसी चीज़ें हैं जो इंगित करता है कि हम प्राचीन काल से ही स्वच्छता के प्रति जागरूक रहे हैं और हमारे प्राचीन ग्रंथों में हमारे परंपरा में भारत के हर प्रांत में कुछ न कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो इंगित करती है कि स्वच्छता प्राचीन काल से भारतीय समाज का अभिन्न अंग रहा है इसका विशेष विश्लेषण किया था हमने अपने इससे पहले के व्याख्यान दूसरे व्याख्यान में स्वच्छता उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में और मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि आपको वह व्याख्यान बहुत अच्छा लगा होगा और आपके लिए वह लाभान्वित रहा होगा आज के इस तीसरे व्याख्यान में हम जाति क्या है और जाति किस तरह से स्वच्छता से संबंधित है और जाति व्यवस्था का जो ढांचा है भारतीय समाज में वह किस तरह से स्वच्छता को प्रभावित कर रहा है और स्वच्छता से जाति किस तरह से प्रभावित हो रही है इसका हम विश्लेषण करेंगे आज के इस व्याख्यान में आप सब जैसे जानते हैं जाति भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग है यह भारतीय सामाजिक स्तरीकरण का एक महत्वपूर्ण पक्ष है और जाति के आधार पर भारतीय समाज को स्तरीकृत किया गया है चार प्रकार के मुख्यतः जाति होते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इसका विभाजन संस्तरण रूप में किया गया है अगर हम जाति की बात करें तो कभी कभी कुछ विद्यार्थी जाति और वर्ण में जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में सामंजस्य करने में या कभी कभी वह ये समझ लेते हैं कि यह एक ही चीज़ है इसका इससे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि जाति व्यवस्था अलग है वर्ण व्यवस्था जो प्राचीन काल में हुआ करता था वह कुछ अलग व्यवस्था था क्योंकि वर्णाश्रम में जब वर्ण व्यवस्था की बात की जाती है वर्ण भी चार तरह के हुआ करते थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र किंतु वर्ण व्यवस्था में ऐसे बंधन नहीं था यह एक बंद वर्ग के रूप में नहीं था वर्ण व्यवस्था उस पर निर्भर करता था कि उस व्यक्ति में क्या मेधा शक्ति है क्या उसकी खासियत है उसके आधार पर वर्ण जो थे वह परिवर्तनशील थे कोई भी किसी वर्ण का सदस्य हो सकता था भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने स्पष्टतः कहा है चातुर्वर्ण्यंग मया सृष्टंग गुण कर्म विभाग सह अर्थात हमने चार वर्ण की जो सृष्टि की है वह गुण और कर्म के आधार पर की है अर्थात व्यक्ति में जो निहित गुण थे निहित उसकी जो विशेषताएं थीं तो जिस तरह से उसका गुण और कर्म होता था उस तरह से उसके चार विभाजन हुआ करते थे वर्ण व्यवस्था में परंतु आज की जो जाति व्यवस्था है यह पूर्णतः बंद व्यवस्था है जाति व्यवस्था में कोई व्यक्ति अपनी जाति बदल नहीं सकता है सामान्य परंपरा के अनुसार जाति व्यवस्था जो है भारतीय समाज का जो एक रूप है यह एक बंध वर्ग है जिसमें कभी भी कोई यह नहीं सोच सकता है कि मैं आज इस जाति में हूँ कल मैं उस जाति में जा सकता हूँ या इस जाति में मैं क्यों हूँ क्योंकि यह पहले से ही निर्धारित होता है व्यक्ति का जन्म लेने से पूर्व ही यह निर्धारित हो चुका रहता है कि वह व्यक्ति किस जाति में जन्म ले रहा है क्योंकि उसके पिता जिस जाति में होते हैं वही उसकी जाति होती है तो जाति व्यवस्था जो है भारतीय समाज में इस तरह से आज के डेट समय में आज के परिप्रेक्ष्य में जो अभी जो भारतीय समाज का ढांचा है भारतीय समाज में जो स्तरीकरण की व्यवस्था की गई है एक व्यवस्था तो वर्ग के आधार पर होती है वो स्तरीकरण है लेकिन वर्ग व्यवस्था जो है वह खुली हुई व्यवस्था है वह जाति की तरह बंद व्यवस्था नहीं है वह भी स्तरीकरण की व्यवस्था है वर्ग व्यवस्था में भी हम उच्च वर्ग मध्यम वर्ग निम्न वर्ग या और कई प्रकार के वर्ग की चर्चा करते हैं किंतु यह वर्ण व्यवस्था की तरह वर्ग व्यवस्था भी खुली हुई व्यवस्था है आज कोई निम्न वर्ग का है वह मेहनत कर ले पैसा कमा ले और अपने को सुधार ले अपने को आगे बढ़ाने की अगर ठान ले तो कल जाके वह मध्यम वर्ग का या उच्च वर्ग का सदस्य भी बन सकता है इसी तरह से आज अगर कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति है तो वह किसी कारण से कल जाके निम्न वर्ग का भी सदस्य बन सकता है यह स्थिर नहीं है वर्ग व्यवस्था जो है यह परिवर्तनशील है इस पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति विशेष में क्या क्षमताएं हैं क्योंकि वर्ग व्यवस्था जो है यह हमें बदलने का मौका देता है वर्ग में हम जो हम जो अर्जित करते हैं परिस्थिति जो होता है जिसको स्टेटस बोलते हैं दो तरह के होते हैं एक तो होते हैं जो हमें फिक्स रूप से मिल जाते हैं निर्धारित रूप से हमें मिल जाते हैं वह एक स्टेटस या परिस्थिति होती है व्यक्तियों की और दूसरी परिस्थिति होती है जो हम बदल सकते हैं जो हम अर्जित कर सकते हैं वो अर्जित करने वाले परिस्थिति जो है वह है वर्ग व्यवस्था और प्रदत्त परिस्थिति जो है जो कि निर्धारित होता है वह प्रदत्त है समाज द्वारा परिवार द्वारा हमें निर्धारित रूप से मिल जाता है वह प्रदत्त है हमें इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है हमें इसके लिए कुछ खास नहीं लगाने पड़ते हैं अपनी ओर से कोई मेधा शक्ति या कोई श्रम वह प्रदत्त है अपने आप मिल जाता है तो जाति व्यवस्था जो है प्रदत्त परिस्थिति है जबकि वर्ग व्यवस्था जो है वह अर्जित है हमें कुछ करना पड़ता है अच्छा या बुरा उसी के आधार पर हमें उस हिसाब का वर्ग मिलता है किंतु यह क्योंकि वर्ग व्यवस्था खुली व्यवस्था है किंतु जाति व्यवस्था खुली व्यवस्था नहीं है यह पूर्णतः बंद है कोई नहीं सोच सकता है कि हम कितना भी मेहनत कर लें हम इस जाति से दूसरी जाति में अपने आप को ले चलेंगे या हम अगर कुछ भी ना करें फिर भी हम इसी जाति में रहेंगे यह भी वह निर्धारित रूप से जानता है पहले से ही क्योंकि स्थिति है ये प्रदत्त वो अर्जित परिस्थिति नहीं है वह प्रदत्त परिस्थिति है और जाति चूंकि प्रदत्त परिस्थिति नहीं है प्रदत्त परिस्थिति है इसीलिए प्रदत्त परिस्थिति में हमें कुछ बिना किए भी हम उसी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं यह जाति व्यवस्था की एक खासियत है कि यह है हमें प्रदत्त परिस्थिति के रूप में मिलता है और हम जिस जाति में हैं उसी जाति में हम आजन्म बने रहते हैं उस जाति से हम कुछ ना करें तब भी नहीं निकल सकते हैं बहुत कुछ कर लें तब भी नहीं निकल सकते हैं इस तरह से जाति एक बंद व्यवस्था है जाति को और अधिक समझने के लिए हमें जो विभिन्न समाज शास्त्रियों ने इसकी अवधारणा और परिभाषा दी है उस पर अगर हम चर्चा करने की कोशिश करें तो अगर उसको हम देखें तो यह कुछ इस प्रकार है मैकेवर ने परिभाषित करते हुए जाति को लिखा है जब परिस्थिति पूर्णतया पूर्व निश्चित हो जिससे मनुष्य बिना किसी परिवर्तन की आशा के अपनी भाग्य लेकर उत्पन्न होते हैं तब वर्ग जाति का रूप धारण कर लेता है इसमें कुछ खास चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है जैसा कि हम बात कर रहे थे जाति जो परिस्थिति है वह पूर्व निश्चित है जैसा कि हम बात कर चुके हैं चूंकि पिताजी जिस जाति के हैं उसी जाति का उसका बच्चा होगा तो यह पूर्व निर्धारित है उसी तरह बिना किसी परिवर्तन की आशा के निश्चित रूप से जब हम किसी जाति व्यवस्था में हैं तो हम यह समझते हैं कि यह भाग्य द्वारा निर्धारित है क्योंकि यह कर्म पर आधारित नहीं है हमारे पिताजी जिस जाति के हैं उसी जाति का हमें होना ही है इसीलिए इसमें स्पष्टता इस कहा गया है कि बिना किसी परिवर्तन की आशा के कोई भी व्यक्ति यह आशा नहीं करता है कि हमारी जाति कभी बदल भी सकती है और इस तरह से वह भाग्य पर आधारित है और जब जाति बंद हो जाती है तभी उसको कहा जाता है कि यह वर्ग नहीं अब जाति है क्योंकि जाति जैसा हम बात कर चुके हैं जाति एक वर्ण व्यवस्था है इसीलिए कहा भी जाती है जाति वह है जो जाति नहीं है जाति वह है जो जाति नहीं है अर्थात जाति कभी जा नहीं सकती है आप जिस जाति में हैं उसी जाति में आप बने रहेंगे जिंदगी भर दूसरी परिभाषा जो कुले के द्वारा दी गई है वह कहता है कि जब वर्ग पूर्णतया आनुवंशिकता पर आधारित होता है तब हम उसे जाति कहते हैं जैसा कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि जिस जाति के पिताजी होते हैं उसी जाति में उस व्यक्ति का जाति निर्धारित हो जाता है इसी की ओर इंगित करता हुआ कूले का यह परिभाषा है कि आनुवंशिकता पर आधारित है अर्थात जिस जाति में उसके पिता होंगे पिता इसलिए हम बार बार शब्द यूज़ कर रहे हैं कि पितृसत्तात्मक परिवार में पिता से ही जाति की निर्धारित की जाती है तब पिता जिस जाति में रहेंगे वही जिस तरह से आनुवंशिक रूप से बहुत कुछ उसका बच्चा लेता है अपने पिता से इसी आधार पर कहा गया है कि आनुवंशिकता पर आधारित होती है जाति व्यवस्था इस तरह से हमने इन दो परिभाषाओं के आधार पर यह समझने का प्रयास किया है कि जाति की अवधारणा क्या है और जाति को परिभाषित करते हुए विद्वानों ने किस किन किन मुद्दों को ध्यान में रखा है इस आधार पर कहा जा सकता है कि जाति को इस तरह से हम समझ सकते हैं जाति को और अधिक समझने के लिए अगर हम इसकी विशेषता की बात करें जी एस घुरिये ने जाति पर काफ़ी बड़ा अध्ययन किया था भारतीय समाज में जी एस घुड़िए का भारतीय समाज के स... जाति को समझने के लिए इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है घुड़िए ने जाति को की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसकी बिंदुओं पर छह विशेषताओं की चर्चा की है घुड़िए द्वारा प्रतिपादित और दिए गए जाति की यह छः विशेषताएं इस प्रकार हैं इन्होंने पहले विशेषता को बताते हुए कहा है कि समाज का खंडात्मक विभाजन है जैसा कि आप सब जानते हैं समाज को टुकड़ों टुकड़ों में बांटा गया है हम सबको पता है कि मुख्यतः चार प्रकार के जाति होते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र लेकिन एक जाति के अंदर कई उपजाति होती है उस उपजाति में भी विभिन्न श्रेणी होते, है, होते हैं स्तरीकरण होते हैं तो यह जो समाज का खंडनात्मक विभाजन है समाज को कई टुकड़ों में बांटा गया है जिसमें कहा जाता है कि वह उस जाति का है वह उस उपजाति का है वह उस उपजाति का है इस तरह से उसको विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है कई प्रकार से उसको बांटा गया है और यह जो बांटना है यह अलग अलग खंड में है इसी तरह से इसी आधार पर कहा गया है कि यह जाति जो है यह खंडनात्मक विभाजन है जब हम खंडात्मक विभाजन की बात करते हैं तो हमें यह स्पष्ट समझना चाहिए कि जाति सिर्फ चार तरह के होते हैं लेकिन उस जाति के अंदर जो कई उपजाति हैं उसका भी अलग अलग खंड होता है उसका भी अलग अलग बंटवारा किया रहता है तो उस समाज में कई प्रकार के खंड होते हैं इस आधार पर कहा गया है कि जाति जो है वह खंडात्मक विभाजन है इसकी दूसरी विशेषता है संस्तरण संस्तरण जिसको कहते हैं। संस्तरण रूप से जैसा कि अब सबको सबको आप सब पता है कि समाज में जब हम संस्तरण की बात करते हैं या जाति व्यवस्था की बात करते हैं तो यह समतल रूप से नहीं है चारों जाति के व्यक्ति या हजारों उपजाति के व्यक्ति एक समान स्तर पर नहीं हैं इसका संस्तारणात्मक विभाजन है विभिन्न संस्तरण के रूप में जिसको हैरारकी बोलते हैं कई संस्तरण के रूप में इसको बांटा गया है एक जाति को दूसरे जाति के समकक्ष नहीं रखा गया है एक जाति किसी कारण से किसी जाति से ऊपर है किसी जाति से नीचे है इस तरह से इसको संस्तरण के रूप में देखा गया है यह चार प्रकार के जो जाति होते हैं इसका जो बंटवारा किया गया है यह निश्चित रूप से संस्तरण के आधार पर किया गया है कुछ विशेषताएं उनको दी गई हैं कुछ निर्योग्यताएँ उनको दी गई हैं जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि संस्तरणात्मक विभाजन में यह जाति इस जाति से ऊपर है यह जाति इस जाति से निम्न है यह जाति उस जाति से उच्च है इस तरह से समाज में देखा जाता है कि समाज में जाति व्यवस्था को जो संस्तरणात्मक रूप में विभाजित किया गया है और किसी भी समाज में जहाँ जाति व्यवस्था है वह समान रूप से नहीं है इसको विभिन्न स्तरों इस में बांटा गया है और वह नि, निश्चित रूप से उच्च और निम्न जाति व्यवस्था के रूप में ही किया गया है इसी त आधार पर कहा जाता है कि यह एक संस्तरण है यह संस्तरणात्मक विभाजन का एक ज्वलंत उदाहरण है पवित्र और अपवित्र जब हम जाति व्यवस्था की बात करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें पवित्रता और अपवित्रता की बात आती है जब हम पवित्रता और अपवित्रता की बात करते हैं वह इस आधार पर कहा जाता है कुछ कारणों से किसी जाति को ज्यादा पवित्र माना जाता है कुछ कारणों से कुछ जाति को अपवित्र माना जाता है इसी तरह से कुछ जाति को ऐसे कार्य करने के लिए दिए जाते हैं जो पवित्र माने जाते हैं और दूसरे जाति को उस तरह के कार्य दिए जाते हैं जिसको अपवित्र माने जाते हैं इस तरह से जाति व्यवस्था में पवित्रता और अपवित्रता की भावना भी अंतर्निहित है और इसी आधार पर जो व्यक्ति पवित्र कार्य करते हैं उनको अलग रूप से देखा जाता है समाज में और संस्तरण में उनकी अलग व्यवस्था होती है जबकि जो जाति अपवित्र कार्य कर रहे हैं या जिनको अपवित्र माना जाता है उनको अलग रूप से देखा जाता है तो यह पवित्रता और अपवित्रता सामाजिक संस्तरण के रूप में भी देखा जाता है और जब सामाजिक संस्तरण का निर्धारण होता है तो उसमें इस चीज के आधार पर भी होता है कि पवित्र क्या है अपवित्र क्या है तो जाति व्यवस्था में पवित्रता अपवित्रता की एक अहम भूमिका होती है उसी तरह से विभिन्न जातियों की सामाजिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएँ एवं विशेषाधिकार हैं जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे चाहे वह उच्च और निम्न जाति की बात हो चाहे पवित्रता अपवित्रता की बात हो कुछ जातियों से उम्मीद की जाती है कि वह वही कार्य करे जो उसको उसके कार्य करने के लिए समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है कुछ जाति को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं कि वही जाति सिर्फ वह काम कर सकता है दूसरे जाति के व्यक्ति उस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते हैं इसी तरह से कुछ कार्य ऐसे हैं जो अपवित्र हैं या जिसको करने के लिए कुछ खास जाति को ही दिया गया है क्योंकि वह अन्य जाति नहीं कर सकता है इसी आधार पर कुछ लोग उस काम को करने के लिए निर्योग्य माने जाते हैं या उस काम को करने के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते हैं उसी तरह से कुछ खास जाति है जिससे अपेक्षा की जाती है कि वह वही काम करे यह जो विशेषाधिकार या निरयोग्यता की बात है यह व्यक्ति खास जाति से उस विशिष्ट जाति से उम्मीद की जाती है अपेक्षा की जाती है कि उस जाति का व्यक्ति वही कार्य करेगा और दूसरे जाति का व्यक्ति वह कार्य नहीं करेगा और समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है और चूंकि हम सबको पता है कि सामाजिक नियंत्रण समाज की महत्वपूर्ण एक अंग है व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए और ये निर्योग्यता विशेषाधिकार या अन्य जितनी चीज़ें हैं समाज में वह सामाजिक नियंत्रण से बंधे हुए हैं कोई व्यक्ति चाह के भी उस नियंत्रण को तोड़ नहीं सकता है क्योंकि यह जो नियम कानून बने हुए हैं समाज में जो ऐसी स्थापित मान्यताएं हैं ये बनाने वाले उसी समाज के व्यक्ति होते हैं जब उसी समाज के व्यक्ति वह कानून बना चुके हैं या कुछ विशेषाधिकार या निर्योग्यताएँ थोप चुके हैं कुछ खास जात पर और अन्य जात पर इसको तोड़ने का या इसकी अवहेलना करने का साहस सामान्य रूप से कोई नहीं ले पाता है इसका स्पष्ट इस कारण है कि सामाजिक नियंत्रण जो है वह बहुत मजबूत माना जाता है और यह भी सामाजिक नियंत्रण भारतीय समाज का अभिन्न अंग है क्योंकि इसको इस नियंत्रण को मनवाने के लिए कई ऐसे साधन हैं समाज में उपलब्ध हैं जिससे वह नियंत्रित किया जाता है व्यक्ति नियंत्रित किया जाता है सामाजिक नियंत्रण के जो विभिन्न आयाम हैं उसके माध्यम से व्यक्ति को नियंत्रित किया जाता है और जाति में जो अंतर्निहित तो विशेषताएं हैं या जाति के आधार पर व्यक्ति से जो उम्मीद की जाती है कि वह यही काम करे ऐसा ही व्यवहार करे इसके लिए सामाजिक नियंत्रण अपनी नज़र बनाए रखता है कि कोई भी व्यक्ति यह साहस न कर पाए कि वह इस जो निर्धारित मान्यताएं हैं उससे अपने आप को बाहर निकाल ले बल्कि अपेक्षा की जाती है कि उसी बंधन में वह बंध कर अपना काम करते रहे क्योंकि सामाजिक नियंत्रण जो है सबके लिए अनिवार्य माना जाता है व्यवसाय के चयन का अभाव जैसा कि हम सबको पता है कि आज के वर्तमान परिवेश में वर्ग जहाँ पर है या जात व्यवसाय जहाँ पर है कोई भी व्यवसाय कोई कर सकता है शहरों में किंतु अभी भी अगर हम जाति व्यवस्था के निश्चित स्वरूप की चर्चा करें तो प्राचीन जो स्थापित मान्यता है जाति व्यवस्था से संबंधित उसमें यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि वह व्यक्ति अपनी व्य, अपना व्यवसाय नहीं चुन सकता है कोई भी व्यक्ति इस बात के लिए स्वतंत्र नहीं है कि वह अपनी मर्जी से कोई व्यवसाय कर ले परंपरागत जाति व्यवस्था की यह एक अनिवार्य विशेषता है कि यह चूंकि बंद वर्ग है उसी तरह से बंद व्यवसाय भी है हर एक जाति के व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि उसको जो स्थापित मान्यता के अनुसार कार्य दिए गए हैं वही वह करे उस कार्य के अलावा वह दूसरा कार्य कोई न करे दूसरे व्यवसाय के बारे में वह सोच भी नहीं सकता है इस तरह से जब हम बात करते हैं कि जाति एक बंद वर्ग है जाति में उसी तरह से व्यवसाय स्वतंत्र रूप से चुनने की कोई व्यवस्था नहीं है जिस तरह से बाकी चीज़ में बंधन रहता है जाति का उसी तरह से इसका भी स्पष्ट बंधन है कि व्यवसाय भी हम जो चुने वह वही चुने जो मेरे पूर्वज मेरे दादाजी मेरे पिताजी करते आ रहे हैं वही व्यवसाय में कर सकता हूँ दूस दूसरा व्यवसाय मैं नहीं कर सकता हूँ जाति के जो निर्धारित मान्यताएं हैं उसके आधार पर यह स्पष्टता कहा गया है इसीलिए कहा जाता है कि जाति में जो व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता उस व्यक्ति को या उस समाज के जो व्यक्ति हैं उसको नहीं दी गई है उसी तरह से जब हम अगली विशेषता की बात कर रहे हैं है? विवाह संबंधी प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं समाज में इसको अंतर्विवाह कहा जाता है या इंडोगेमी कहा जाता है व्यक्ति से समाज में उम्मीद की जाती है कि वह अपनी ही जाति या उपजाति में वैवाहिक बंधन में बंधे यह एक प्रमुख कारण है जाति व्यवस्था की जब हम बात कर रहे हैं उसमें स्पष्टता कहा गया है कि व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है जैसा कि हम बार बार, बार बात कर रहे हैं जाति एक बंद वर्ग है कई कारणों से कहा जाता है कि जाति एक बंद व्यवस्था है उसी तरह से विवाह संबंध जो स्थापित किए जाते हैं वह इससे उम्मीद की जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही जाति या उपजाति में विवाह निश्चित करे कोई चाहे कि मैं अपनी बेटी का विवाह दूसरे जाति में कर लूँ या मैं अपने बेटे का विवाह दूसरे जाति में कर लूँ सामान्य समाज द्वारा सामान्य रूप से यह मान्यता प्राप्त नहीं है अगर हम परंपरागत जाति व्यवस्था की बात करें तो वैवाहिक बंधन में बंधने की भी स्वतंत्रता व्यक्ति को नहीं है माना जाता है कि अपनी जाति को बचाए रखने के लिए अपनी जाति की शुद्धता अशुद्धता को ध्यान में रखते हुए अपनी जाति के जो नियंत्रण के विभिन्न आयाम हैं उसको ध्यान में रखते हुए व्यक्ति इस बात पर बल दे कि अपनी ही जाति के व्यक्ति के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करे और इसमें भी कोई व्यक्ति अपनी जाति से बाहर जाने की नहीं सोच सकता है और यही कारण है कि जाति की अगर कुछ विशेषताएं अभी भी चल रही हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि भले ही हम भूमंडलीकरण की बात करते हैं हम अपने को आधुनिक होने की बात करते हैं उसके बावजूद अभी भी वैवाहिक संबंधों के का जब समय आता है हमारे ये पूरी कोशिश रहती है प्रयास रहता है कि वैवाहिक बंधन अपने जाति उपजाति के व्यक्तियों के साथ ही किया जाए इसका ज्वलंत उदाहरण है कि विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में या वेबसाइट पर जब हम वैवाहिक विज्ञापन देखते हैं मेट्रीमोनियल्स देखते हैं उन वैवाहिक विज्ञापनों में स्पष्टता दिख जाएगा वर्ग की भी चर्चा की जाती है कि वह इस व्यवसाय का हो उस व्यवसाय का हो उसके साथ ही यह भी स्पष्ट मिल जाएगा कि वह जो लड़का या लड़की है इस जाति उपजाति का हो इस जाति या उपजाति का हो लड़का या लड़की इसका स्पष्ट इस संकेत स्पष्ट वर्णन उस वैवाहिक विज्ञापनों में दिया हुआ रहता है जिससे हम ये भी जान सकते हैं कि हम अगर आधुनिकता की बात कर रहे हैं या हम और किसी तरफ जा रहे हैं किंतु जब वैवाहिक संबंधों की बात आती है तो इससे हम समझौता करने के लिए सामान्यतः तैयार नहीं रहते हैं और हम यह सोचते हैं कि विवाह अपनी ही जाति या उपजाति में करवाई जाए ये जो छः विशेषताएं दी गई हैं जो जीएस एस द्वारा प्रतिपादित की गई हैं इसमें हमें यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि जी एस इन छः बिंदुओं के आधार पर जाति व्यवस्था को परिभाषित किए हैं उन्होंने इसकी स्पष्ट इस व्याख्या की है जाति व्यवस्था जी एस घुरिये भारतीय ही थे इन्होंने भारतीय समाज का विस्तृत अध्ययन किया है जाति व्यवस्था पर विस्तृत अध्ययन करने वाले एक बाहर के लुई डुमा भी हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक होमो होमोहारार्किकस में भी जाति व्यवस्था की विस्तृत व्याख्या की है और विस्तृत व्याख्या करने के क्रम में उन्होंने पवित्रता या पवित्रता या प्रदूषण और शुद्धता की भी बात की है लुई डुमा जब पवित्रता या प्रदूषण और पवित्रता पवित्रता या प्रदूषण और शुद्धता की बात करती हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से जो जाति व्यवस्था में अंतर्निहित धारणा थी कि उसको हम मान सकते हैं अपना उससे हम उसके निकट हम जा सकते हैं उसके हम निकट नहीं जा सकते हैं यह जो चाहे वह छुआछूत की व्यवस्था हो चाहे स्पृश्य की व्यवस्था हो चाहे उसके साथ हम खाना का आदान प्रदान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं वह जो है उसके निकट हम जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं यह जो व्यवस्था की गई है इस ओर इंगित करते हुए लुई डोमा ने जाति व्यवस्था की विस्तृत व्याख्या की है और जब हम जाति व्यवस्था की विस्तृत व्याख्या की है कर रहे हैं और अगर हम ये मान रहे हैं कि इसमें जो बंद जाति की बात की गई है और इसमें परंपरागत रूप से चली आ रही जो जातिगत व्यवसाय है या इसमें हम ये कहें कि हम उस जातिगत व्यवसाय के अलावा बाहर किसी में हम नहीं जा सकते हैं इसके व्यवस्था करने के क्रम में अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि यह नई कुछ खास व्यवस्था है यह अगर हम पहले का अगर हम आंकड़ा देखें इसमें भी हमको इस तरह की व्यवस्थाएं मिल जाती हैं अभी जो हमने बात की है कि हम वही कर सकते हैं जिस जात के हैं वही काम हम कर सकते हैं वही व्यवसाय कर सकते हैं इसका उल्लेख पहले भी किया जा चुका है इन्हीं बातों को प्रस्तुत करने के लिए मैंने कुछ आंकड़े एकत्रित किए हैं जिस आंकड़ों के आधार पर आप इसको इस स्पष्टता समझ सकते हैं जब जाति या मैला हाथ से ढोने वाले जिसको मैनुअल स्केवेंजर्स कहते हैं और स्वच्छता की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम जनगणना जो अठारह सौ में हुई थी उसके रिपोर्ट में कहता है हरि मेहतर जाति के लिए उसमें हरि शब्द का प्रयोग किया गया है उसकी संख्या पाँच लाख साठ हज़ार थी उस समय हरिजाति जिसको मेहतर जाति कहा जाता है उसकी संख्या अठारह सौ की रिपोर्ट के अनुसार पाँच लाख साठ हज़ार अंकित है उसमें उसी तरह से डोम जाति जो उसके डोम जात के बाद लिखा गया है उसको व्याख्या व्याख्या करने के लिए कि किसको उस समय यह डोम जाति माना जाता था उसमें लिखा हुआ है कि अंतिम संस्कार की चिताओं का निर्माण करते हैं और मृत जानवरों को हटाते हैं आज भी चाहे कितना हम ही आधुनिक हो गए हैं अंतिम संस्कार जब हिंदुओं का किया जाता है उसमें इसी डोम जाति की मदद ली जाती है इसकी संख्या उस समय भी उस समय भी चार लाख तीस हज़ार इसमें इस स्पष्टतः वर्णित है जब हम इस संख्या को देख रहे हैं इससे यह स्पष्ट इस परिलक्षित हो रहा है कि जाति व्यवस्था की जब हम बात करते हैं और अगर हम ये सोच रहे हैं कि यह है आज के आधुनिक युग में ही उस जाति विशेष के व्यक्ति वह काम कर रहे हैं इसको ज, सिर्फ प्रमाणित करने के लिए कि अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तब भी हमें स्पष्ट रूप से मिल जाएगा कि जाति व्यवस्था में किस तरह से उसकी अलग अलग संख्या भी निर्धारित की जाती थी अलग अलग जाति के लिए अलग अलग संख्या जब निर्धारित किया जाता था उस समय भी उसके साथ लिखा जाता था कि यह जाति यह कार्य कर रहा है जिसको आज हम जब बात कर रहे हैं कि प्रत्येक जाति के लिए कुछ निर्धारित कार्य होते हैं यह इस आंकड़ा से स्पष्ट हो जाता है कि उस समय भी ये हमें लिखित आधार पर जब मिल रहा है तो अपनी बात को की संपुष्टि हम इस बात से कर सकते हैं जाति व्यवस्था के साथ इसका एक अभिन्न अंग माना जाता है जजमानी व्यवस्था का जजमानी व्यवस्था भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग माना जाता है और जजमानी व्यवस्था में जो परंपरागत व्यवस्था है पहले इसमें रुपया का लेन देन इसमें जो नगद का लेन देन नहीं होता था श्रम का आदान प्रदान होता था एक जाति के व्यक्ति दूसरे जात की मदद कर देते थे और दूसरे जात के व्यक्ति तीसरे जात की मदद कर देते थे इस तरह से समाज में जो चार जातियां होती थी एक दूसरे से मिलजुल कर अपना काम चला लेते थे जजमानी व्यवस्था में निर्धारित रूप से चाहे वह अन्न हो चाहे कोई जानवर हो या और कुछ चीज़ का लेन देन हो जाता था और उस तरह से पूरे समाज का कार्य सुचारू रूप से चलता जाता था और इसमें निश्चित रूप से नगद आर्थिक लेन देन की व्यवस्था नहीं थी आज भी आपको बहुत हद तक जजमानी व्यवस्था कुछ रूप में दिखाई देगा अलग अलग धार्मिक जगहों पर अलग अलग गाँव में या कई जगह आपको जजमानी व्यवस्था अभी भी दिखाई दे देगा अगर हम जजमानी व्यवस्था में बात करें तो कुछ जाति जो अपवित्र माने जाते थे और कुछ जाति जिनको वैसे काम करने के लिए कहा जाता था जिसको सामान्य रूप से कुछ लोग अपवित्र मानते थे उनको भी जजमानी व्यवस्था में उनको कुछ जजमान की ओर से उनको भी दिया जाता था और इसका चित्रण भी किया गया है अगर हम ये माने कि यह बात सही है या नहीं है अगर हम ये देखें कि क्या ये नया संस्करण है क्या ये नई व्यवस्था है आजकल ये सब शुरू हुआ है तो इसमें अगर हम थोड़ा पीछे जाके इसके इसकी अगर हम आंकड़ों की बात करें और अगर हम इस तथ्य को जानने की कोशिश करें कि क्या परंपरागत समाज में ऐसी कोई व्यवस्था थी जिसमें जजमानी व्यवस्था में कुछ जो खास निम्न जात के लोग थे उनके लिए भी व्यवस्था की गई थी इसका भी उदाहरण हमें मिल जाएगा इसको देखने के लिए अगर हम बात करें जी ए ग्रियर्सन की पुस्तक है बिहार पीजेंट लाइफ जी ए ग्रियर्सन बिहार पीजेंट लाइफ जो अठारह में प्रकाशित हुई थी इसमें इन्होंने लिखा है पवनी पसारी जो जजमानी प्रणाली का व्यवस्था है ये सफाई करने वाले मेहतर हरि जाति समूह जो अपने जजमानों संरक्षक पैट्रॉन जिसको बोलते हैं जजमानों से प्रतिवर्ष अनुलाभ प्राप्त करते हैं यह जब बिहार पीजेंट लाइफ में और इसमें स्पष्ट कर दें कि यह जो है इसका हमने स्रोत लिया है हेतक झा की पुस्तक है सैनिटेशन इन इंडिया अ हिस्टोरिको सोशियोलॉजिकल सर्वे इस पुस्तक से हमने ये आंकड़ा लिया हुआ है अब इससे स्पष्ट इस है कि जीए ए गियर्सन ने अठारह में जब जजमानी व्यवस्था की बात करते हैं या उन्होंने बहुत विस्तृत व्याख्या की है अपने व्यवस्था का अपने पुस्तक में उसमें भी इन्होंने लिखा है कि जजमानी व्यवस्था के तहत भी ऐसे कार्य किए जाते थे जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे कि कुछ पवित्रिया पवित्र या अपवित्र कार्य हैं या कुछ व्यक्ति को पवित्र या पवित्र माना जाता है या व्यवसाय निर्धारित होते थे पूर्व निर्धारित होते थे उस जाति का व्यक्ति वही काम करेगा दूसरे जाति का व्यक्ति वह काम नहीं करेगा इस क्रम में भी स्पष्टता देखा जा सकता है कि इस पुस्तक के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि जजमानी व्यवस्था में भी यह जो मैला ढोने वाली प्रथा है या कुछ खास जाति है जिसको हम इस स्वच्छता से संबंधी मान लेते हैं या यह हम मान लेते हैं कि स्वच्छता से संबंधित जो कार्य है यह समाज में उस खास जाति का व्यक्ति ही करेगा इसकी परंपरागत व्यवस्था थी जिसकी चर्चा इसमें की गई है इस पुस्तक में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका एक ज्वलंत उदाहरण मिलता है सुलभ इंटरनेशनल में एक उच्च पद पर कार्यरत महिला हैं उषा चौमर उषा चौमर जी इनसे इन्होंने अपने कई अंतरंग वार्तालाप में या कई विशिष्ट व्याख्यानों के क्रम में स्पष्टता कहा था कि उषा चौमर जी एक उस जाति से हैं जिसमें मैला ढोने की प्रथा है उसकी पुस्तैनी व्यवस्था मानी जाती है जब यह विवाह इनका नहीं हुआ था तब भी अपने माता पिता के साथ कुछ जो जजमानों के घर होते थे उस घर जाती थी ये और सर पर मैला ढोकर जाती थीं और उससे वो उसके घर का जो मैला होता था उसको सर पर उठा के बाहर फेंकती थीं जब इनका विवाह हुआ तब जब ससुराल गई ये तो वहाँ भी उस ससुराल वाले परिवार से जब ये देखा गया कि किस किस परिवार का जजमानी वो परिवार करता है तो उस जो ससुराल वाला जो इनका परिवार था उस परिवार के जो जो जजमान थे उसके घर में जाकर यह मैला ढोने की प्रथा को कर, निर्धारित रूप से चला रही थी और सबसे आपको यह जानकर दुखद आश्चर्य होगा जब इनकी करुणा आप सुनेंगे ये बता रही थी कि जैसे आजकल जब किसी महिला के लिए किसी लड़की के लिए वह ढूंढा जाता है कि लड़का ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए जैसा कि ये खुद अपने वार्तालाप के क्रम में बताती हैं कि इनके माता पिता यह ढूंढते थे कि वह जो लड़का होगा वह कितने घरों का मैला ढोता है कितने घरों का मैला ढोता है से तात्पर्य ये होता था कि अगर कोई लड़का दस घरों का मैला ढोता है उसकी आय जो होगी वह कम होगी अगर कोई लड़का 20 घरों का मैला ढोता है तो उसकी आय ज्यादा होगी तो अच्छे या बुरे लड़कों के चयन में यह प्रक्रिया भी एक अभिन्न अंग हुआ करता था लेकिन उषा चौमर जी का उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं कि इसमें आप दो चित्र देख सकते हैं उषा चौमर जी का एक चित्र में दिखाया गया है कि यह गांव में मैला ढो रही हैं दूसरी ओर किस तरह से दृढ़ निश्चय और अपनी मेहनत से उषा चौमर जी को पद्मश्री पुरस्कार मिला और पद्मश्री पुरस्कार इनको पर्यावरण स्वच्छता में उनके सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया है आप एक मान सकते हैं कि एक हाथ से मैला ढोने वाली उषा चौमर की यात्रा मैला ढोने से लेके पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने तक की यात्रा कितनी तरह से या किस किस व्यक्ति के लिए यह एक प्रेरणा स्रोत हो सकता है कि अगर मन में लगन हो इच्छा शक्ति हो दृढ़ निश्चय हम कर लें तो एक महिला ढोने वाली महिला भी राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त कर सकती है और एक दूसरा फोटो आप देख सकते हैं कि यह खुद भी सीख रही हैं क्योंकि सामान्य रूप से ये माना जाता है कि महिला ढोने का काम अगर कोई महिला छोड़ देती है तो उसके बाद वो क्या करेगी आप दूसरे चित्र में देख सकते हैं कि वो सिलाई कढ़ाई सीख रही हैं इसके अलावा भी उनमें और कई विशेषताएं हैं उन्होंने अपने अंदर अपने व्यक्तित्व निर्माण में बहुत कुछ ऐसे सीख लिए हैं बहुत कुछ गुण उन्होंने अर्जित कर लिया है जिससे अब वह न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं जब हम ये बात कर रहे हैं कि महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं इसमें अब हमें सोचने की जरूरत है कि जिस पृष्ठभूमि में हमने अभी बात की है कि समाज की अंतर्निहित विशेषता यह है जिसमें व्यक्ति को बांध दिया गया है कि वह व्यक्ति वही काम करेगा जो समाज द्वारा निर्धारित है अब हमें इस तरह से सोचने की जरूरत है या समय की आवश्यकता है जिससे स्वच्छता भी हम ठीक से कर सकें और जाति विशेष को होने वाले मानसिक प्रतारणा से भी उसको हम ऊपर ले आ सकें उषा चौमर जी का वर्णन हमने इसलिए किया कि बाकी के लिए किसी महिला या पुरुष के लिए ये एक आदर्श हो सकती हैं जिस तरह से इन्होंने अपने ज़िंदगी में बदलाव लाए हमारे बाकी जो और जो व्यक्ति हैं जो सोच रहे हैं कि काश ऐसा हो सकता था वो भी चाहें अगर तो अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं इसके लिए न सिर्फ वह व्यक्ति अपना योगदान दे सकता है बल्कि दूसरे व्यक्ति हैं जो अलग जाति से हैं जो इस मानसिक प्रताड़ना या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यवस्था से वह नहीं अपने आप को जोड़ पा रहे हैं वह भी सोचें कि क्यों ऐसा हो कि जो व्यक्ति खास परिवार में जन्म लिया है सिर्फ वही साफ सफाई या स्वच्छता के कार्य में लगा रहे कई बार जब आप ट्रेन से यात्रा करते हैं इस स्टेशन पर एक लिखा हुआ बोर्ड आपको कई जगह मिल जाएगा आप गंदगी कम करें इसके लिए वो आपको प्रेरित करने के लिए लिखते हैं कि जिस गंदगी की ओर आप देखना नहीं चाहते हैं उसे आप ही जैसा व्यक्ति कोई हाथ से छू के उठाता है या हाथ से उसको फेंकता है यह जो विभिन्न तरह के संदेश लिखे रहते हैं यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम ऐसा काम क्यों करें क्या हम अपने स्वच्छता से संबंधित कार्य अगर खुद करें तो इसमें कोई दिक्कत होगी जो काम हम खुद कर सकते हैं वह काम हम खुद क्यों न करें इसमें महात्मा गांधी भी एक ज्वलंत उदाहरण थे महात्मा गांधी का संपूर्ण जीवन ही आदर्श है और उनके हर पक्ष से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं महात्मा गांधी ने जो कि स्वतंत्रता संग्राम के लिए जिनकी अहम भूमिका थी उन्होंने भी स्वराज से ज़्यादा स्वच्छता को महत्व दिया मैं फिर से बताता हूं महात्मा गांधी के लिए स्वराज या स्वाधीनता से ज्यादा स्वच्छता का महत्व था ये खुद मानते थे कि स्वच्छता अनिवार्य है निश्चित रूप से स्वराज या स्वाधीनता भी अनिवार्य था इनके लिए भी लेकिन स्वच्छता को उससे ज्यादा अहमियत देते थे महत्वपूर्ण समझते थे महात्मा गांधी के जिंदगी से भी हम यह सीख ले सकते हैं कि व्यक्ति अपने स्वच्छता या साफ सफाई से संबंधित कार्य खुद अगर करे तो न सिर्फ वह खुद अपने आप को समझ सकता है कि हाँ मैं अच्छा कार्य कर सकता हूँ अपितु तो जो कई ऐसे खास जाति के व्यक्ति हैं जिनको मान लिया गया है कि वही यह कार्य करेगा उससे भी उसको हम ऊपर उठा सकते हैं और न सिर्फ ऊपर उठा सकते हैं बल्कि उसके जिंदगी में भी वह भी पढ़ लिख लेगा वह भी आगे बढ़ेगा वह भी समाज में अपना योगदान दे सकता है अलग अलग क्षेत्र में तो आप जब ये स्वच्छता का समाजशास्त्र पाठ्यक्रम कर रहे हैं और आज जब आप जाति और स्वच्छता से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं या उस पर चर्चा कर रहे हैं आपको इस चिंतन की जरूरत है आप एक बार आत्मविश्लेषण करें आत्मचिंतन करें कि हमारी क्या भूमिका हो सकती है क्या अगर हम अपने साफ सफाई से संबंधित कार्य स्वयं कर लें तो क्या इसी से हम छोटे हो जाएंगे या अगर हम किसी दूसरे को ऐसा न करने के लिए प्रेरित करें और उसका जो कार्य है उसमें हम एक हाथ बांट लें या अगर हम स्वयं सब काम करते रहें तब क्या हम इससे छोटे हो जाएंगे अगर हम ऐसा कुछ काम करने से पहले यह सोचते हैं छोटा बड़ा उच्च निम्न तब जो व्यक्ति उससे पीड़ित है उसके मन में क्या भावना बन रही होगी क्या उसने क्या ऐसा किया है जिससे वह उस जाति में उस परिवार में उस समाज में पैदा हुआ इसी कारण सिर्फ उसी को वह कार्य करना पड़ेगा ऐसा हम कदाचित न करें और हम ये सोचने पर मजबूर हों और हम यह सोचें कि जो व्यक्ति दूसरा काम कर सकता है हर काम वो व्यक्ति स्वयं कर सकता है आखिर हम अपनी गंदगी स्वयं सफाई नहीं करेंगे तो हम यह दूसरों से क्यों अपेक्षा करें कि वह हमारी गंदगी को साफ करे हम स्वयं इसको अगर इस ओर ध्यान दें और हम अगर स्वयं सोच लें तभी इस जो स्वच्छता का पाठ्यक्रम जो आप अभी चल रहा है जिसमें जाति और स्वच्छता पर हम चर्चा कर रहे हैं इसका लाभ तभी होगा जब हम एक समता युक्त विषमता मुक्त समरसता पूर्ण समाज का निर्माण कर पाएंगे तो हमारी जो परिकल्पना है वह साकार होगी और हम एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज में रहने लायक हो पाएंगे न सिर्फ स्वच्छ और स्वस्थ समाज में रह पाएंगे बल्कि सामाजिक जो विकृतियां हैं उसको हटाने के लिए समाज में जो अच्छी चीज़ें हैं उसको हम रखें जैसे कल के व्या दूसरे व्याख्यान में हमने इस पर चर्चा की थी जब हम स्वच्छता का ऐतिहासिक पक्ष पर चर्चा कर रहे थे कि हमारे जो समाज में ऐतिहासिक रूप से परंपरागत रूप से जो अच्छी चीज़ें मिली हुई हैं उसको हम सजोएं उसको हम आगे बढ़ें उस पर हम चिंतन करें इसी तरह से अगर परंपरागत समाज में अगर मान्यता कुछ ऐसी हैं या अगर कुछ ऐसे चिंतन चल रहे हैं जिससे आपको लग रहा है कि समाज के कुछ खास जाति समाज का कुछ खास अंग वह उतना पूर्ण योगदान नहीं दे पा रहा है अगर उसको इस खास कार्य से हटा के दूसरे कार्यों में भी लगाया जाए तो समाज का भी विकास होगा और उस जाति विशेष का भी कल्याण होगा इसके लिए हमें किसी सरकारी योजना और कोई दूसरे तरह की और चीज़ की जरूरत नहीं है आप व्यक्तिगत स्तर पर भी कर सकते हैं कहा गया है हमें तो परंपरागत रूप से सिखाया गया है आत्मवत सर्वभूतेशु दूसरे को भी अपनी तरह समझिए अगर हम ये समझ रहे हैं कि अगर हमें यह दूसरे की गंदगी साफ़ सफाई करनी पड़ती हमें अगर ये मान लिया जाता कि ये पवित्र है पवित्र है यही व्यक्ति वह काम कर सकता है तब हमारे मन में क्या चल रहा होता मानसिक रूप से हम कितने कमज़ोर होते अगर हमारे साथ यह होता कि यही व्यक्ति यह अपवित्र काम कर सकता है और सिर्फ अपवित्र कार्य ही नहीं है इससे समाज में जो पवित्रता अपवित्रता और स्पृश्यता छुआछूत जैसी कुछ जो धारणाएं चल रही हैं या ऐसे जो कुप्रथा विद्यमान हैं इससे भी हम अपने आप को ऊपर कर पाएंगे हमें सिर्फ इस चीज़ को सोचने की जरूरत है कि जो काम हम समझ रहे हैं कि हम ये नहीं कर सकते हैं या हम अगर ये समझ रहे हैं कि मैं ये काम करूंगा तो ठीक नहीं होगा हमारी क्या इज्जत हो जाएगी हम ये काम कैसे करेंगे हम बीमार हो जाएंगे अगर ये सब हम सोचते हैं अपने जाति के बारे में कि हमारे जाति को इससे नुकसान होगा या हमारे जाति को इस ऐसा नहीं कर सकता है तो ऐसे ही सोच हम दूसरी जाति के साथ भी रखें हम यह भी सोचें उसी जाति के लोगों के साथ हम इसी समाज में रह रहे हैं और समाज का वह भी अभिन्न अंग है जैसा कि हमने अभी जजमानी व्यवस्था की बात की जजमानी व्यवस्था में जितने चार जाति हैं सबकी अहम भूमिका है किसी एक जाति के बिना बाकी तीन जाति की का जीवन सफल नहीं हो सकता है वह अपनी दैनिक दिनचर्या कभी नहीं पूरा कर सकता है एक जाति दूसरे जाति का पूरक माना जाता है अगर हम जजमाने सिस्टम को छोड़कर सामान्य रूप में भी देखें तो जिस व्यक्ति के साथ हमें इसी समाज में रहना है हमारे पिताजी हमारे दादाजी सब रहते आ रहे हैं हमारे आने वाले पीढ़ी भी इसी लोगों इन्हीं लोगों के साथ रहेगा तो कितना अच्छा होगा कि हम ये जातिगत भेदभाव को छोड़ के और ख़ास करके जातिगत भेदभाव को स्वच्छता से ना जोड़कर अगर स्वच्छता को ऐसा समझें जैसा बाकी कार्य चाहे कार्यालय में हो चाहे घर में हो चाहे कहीं व्यवसाय में हो हम स्वयं करते हैं उसी तरह से उस समय हम कभी नहीं सोचते कि यह इत जा इस जाति विशेष का यह कार्य है वही करेगा जब हम कार्यालय में होते हैं अपना जो निर्धारित कार्य होता है वह हम अच्छी तरह करते हैं हम जिस व्यवसाय में होते हैं अपना निर्धारित कार्य अच्छी तरह सोचते हैं जब हम पठन पाठन में व्यवसाय में या जब हम और कोई जीविका करते हैं उस समय नहीं सोचते हैं कि यह खास जाति का व्यक्ति ही यह काम करेगा तब जो ऐसे कार्य हैं जिसको हम खुद मानते हैं कि यह उस तरह का कार्य नहीं है जो करने पर गौरव की अनुभूति हो क्यों न हम ऐसा सोचें कि उस कार्य को करने से हमें कोई शर्म की महसूस नहीं हो हम ऐसा ना सोचें कि यह काम इस तरह से अगर हम करें तो मेरी गरिमा को क्षति लगेगा और इससे हमारा जो समाज में प्रदत्त परिस्थिति है वह उससे कुछ जो अंतर पड़ेगा हम यह सोचें कि यह सामान्य कार्य है स्वच्छता से संबंधित कार्य भी हम इसी तरह से अच्छी तरह से करते रहें क्योंकि जब हम स्वच्छता के समाजशास्त्र पर चर्चा कर रहे हैं स्वच्छता के समाजशास्त्र का उद्देश्य सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप जान लें कि क्या विभिन्न अवधारणाएं हैं क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं और क्या क्या परंपरागत रूप से चली आ रही है अपितु इसका प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि व्यवहार में आप क्या परिवर्तन लाते हैं जब हम स्वच्छता का समाजशास्त्र की जब हम परिभाषा की बात कर रहे थे जो बिंदेश्वर पाठक ने दिया है उसमें स्पष्टता इस पर भी चर्चा की गई है या जब हम स्वच्छता का समाजशास्त्र की चर्चा कर रहे हैं व्यावहारिक परिवर्तन बहुत ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण है क्योंकि मनोवैज्ञानिक स्तर पर अगर हम सोचने की पहल नहीं करेंगे अगर जब तक हम यह सोचना शुरू नहीं करेंगे कि मनोवैज्ञानिक लेवल पर स्तर पर हम अपने आप को कैसे ऊपर कर सकें मनोवैज्ञानिक स्तर पर अपने आप को जब हम ऊपर कर लेंगे तब यह समझ लेंगे कि यह चाहे इस जाति का हो या उस जाति का हो स्वच्छता तो एक अलग चीज़ है समाज में कई प्रकार के कार्य होते रहते हैं बाकी काम के लिए हम सामान्यतः उस खास जाति से नहीं जोड़ के रखते हैं उसको काम को काम के रूप में देखते हैं लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि जब हम उस जाति को देखते हैं तब यह मानते हैं कि स्वच्छता से संबंधित सिर्फ वही काम कर सकता है जो इस जाति का हो इसके लिए हमें यह करना चाहिए कि सिर्फ आसान नहीं है जैसा कि आपने उदाहरण में देखा है उषा चौमर जी का कि महिला ढोती थी और वहाँ से राष्ट्रपति पुरस्कार तक पहुँच गई इसके लिए समाज का बहुत बड़ा योगदान है आप भी ऐसा योगदान कर सकते हैं क्योंकि जब वह बच्चा अपना एक काम छोड़ता है या जब वह पढ़ाई करने स्कूल जाता है कॉलेज जाता है वहाँ भी उसको ऐसी कोई स्थिति का सामना न करना पड़े जिससे वह मजबूर हो या सोचने में कि हम किस जाति विशेषते हैं जब वह पढ़ाई कर रहा है जब वह कार्यस्थल पर काम कर रहा है या जो इससे वंचित रह जाते हैं हर बच्चे स्त्री या पुरुष उस जाति के वैसा स्वभाव अवसर नहीं पा पाते हैं हमें यह भी देखना चाहिए कि उनको स्वराज रोजगार में लगाएं या उनको ऐसे कुछ शिक्षा दें ऐसे उनमें कुछ ये चीज़ सीखने को उनको प्रेरित करें ऐसी कुछ व्यवस्था करें जिससे वह धीरे धीरे बहुत कुछ सीख लें और स्वयं अपने बल पर खड़े हो सकें क्योंकि जब हम कोई परंपरागत कार्य नहीं करते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या आ जाती है कि दूसरा काम हम क्या करें इसके लिए जरूरी है कि दूसरा काम करने के लिए हमें निश्चित रूप से वह प्रशिक्षण लेना पड़ेगा जिसके माध्यम से हम अन्य काम भी अच्छी तरह से कर पाएंगे और जब हम अन्य काम भी अच्छी तरह से कर पाएंगे तभी हम यह सोच सकते हैं कि इसमें किसी जाति विशेष का भला हम नहीं कर रहे हैं बल्कि संपूर्ण समाज का भला कर रहे हैं क्योंकि जब एक जाति अगर पीछे रह जाती है तो हम क्यों उम्मीद करें कि बाकी तीन जाति आगे बढ़ सकती है ऐसा कदापि संभव नहीं है इसी तरह से हमारे लिए यह अनिवार्य है कि हम हर जाति के बारे में सोचें हम हर जाति को ऊपर करने के बारे में सोचें कितना अच्छा होगा कि हम हर जाति को समान सु अवसर दें हर काम करने का जैसा कि बाकी कार्य क्षेत्र में हम दे रहे हैं तो यह स्वच्छता का समाजशास्त्र पाठ्यक्रम करने के बाद आप यही सीख सकते हैं कि समाज में जाति और स्वच्छता की जो अंतर्निहित संबंध है इसमें हम यह देखने की करें कि, कि किसी खास जाति को हम उस स्वच्छता से संबंधित कार्यों में न लगा दें बल्कि हम स्वयं अपना काम खुद करें इस तरह से हम अपने व्यक्तित्व तो निर्माण में भी अब अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं और समाज के दूसरे जो वंचित लोग हैं उनको अगर हम थोड़ा सा प्रोत्साहन दे देते हैं उनकी थोड़ी सी मदद कर देते हैं और वो भी हम अपने ही समाज के व्यक्ति के लिए कर रहे हैं वो भी कोई पराया नहीं होता है समाज में जब हम सब जाति विभिन्न जाति साथ मिलकर रहते हैं तो हमें अब कभी किसी की जरूरत पड़ेगी तो उस जात का व्यक्ति भी आके हमारी मदद करता है हम भी उस जात के के नज़दीक जाके उसकी मदद करते हैं तो इससे न सिर्फ सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा बल्कि समाज कल्याण में भी हम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं अगर हम ये सोचें कि समाज में चाहे जिस जाति का कोई व्यक्ति हो जातिगत ढांचा जो है अगर हम सामान्य व्यक्ति के रूप में उस जातिगत ढांचा को नहीं तोड़ सकते हैं कम से कम हम अपना योगदान इस तरह से दे सकते हैं कि हम अपना काम स्वयं करें और जातिगत जो विशेषताएं या निर्योग्यताएँ हैं इस पर हम ज़्यादा ध्यान न दें और जितना हो सकता है हम अपना काम स्वयं करें अपना साफ सफाई हम खुद करें और जो व्यक्ति इस कार्य में परंपरागत रूप से लगे हैं उनके पुनरुद्धार के लिए उनके उज्जवल भविष्य के लिए अपना कुछ योगदान अगर दें तो इससे उस जाति का भी भला होता है और इस पाठ्यक्रम का भी लाभ होगा कि यह जो पाठ्यक्रम आप कर रहे हैं दस जो श्रृंखला का यह व्याख्यान होगा इससे भी आपको अच्छा लगेगा कि हम कुछ कर पाए अपने समाज के लिए और जब हम किसी दूसरों के लिए करते हैं निश्चित रूप से अपने के लिए खुश होना बहुत अच्छी बात है जब कुछ हमारा लाभ होता है तो हम बहुत खुश होते हैं लेकिन जब हम हमारे कारण हमारे व्यवहार के कारण जब दूसरे को कुछ लाभ होता है या हम कुछ उससे लायक कर पाते हैं जिससे दूसरों का भी भला हो इससे हमें और ज्यादा प्रसन्नता होती है तब हम और ज्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं अनुभव करते हैं कि हमने कुछ दूसरे का भला किया तो यह जो जातिगत व्यवस्था है इसमें हम स्वच्छता से संबंधित जो भी अंतर्निहित धारणाएं हैं जो कि अभी हम बात कर रहे हैं इसमें आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर सकते हैं अपने व्यक्तिगत स्तर पर लेकिन निश्चित रूप से कुछ अन्य स्तर पर भी प्रयास किए गए हैं भारत सरकार की ओर से कई ऐसी व्यवस्था की गई हैं जिसमें इसके उद्धार के लिए या इसके इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करने के लिए या अगर यह परंपरागत ढांचा स्थिर रहे फिर भी उसमें कुछ सुधार लाया जा सकता है इसके लिए कुछ व्यवस्था की गई है वैसे तो कई सरकारी योजनाएं हैं कई प्रयास किए गए हैं लेकिन दो प्रमुख जो प्रयास है उसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं जो आप देख सकते हैं उन्नीस में मैनुअल स्कैवेंजर्स का रोजगार और शुष्क शौचालयों का निर्माण निषेध अधिनियम वे में आया था उसी तरह से 2013 में मैनुअल स्केवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उसका पुनर्वास अधिनियम आया इससे भी कोशिश की गई थी सरकार द्वारा प्रयास किया गया था कि इसके क्रम में हम कुछ ऐसी योजनाएं लाएं जिससे इसका विकास हो जैसा कि आप सब जानते हैं योजनाएं लाना उसका क्रियान्वित करवाना अलग अलग राज्य सरकार भारत सरकार के जो विभिन्न योजनाएं होते हैं वह उस क्षेत्र में अपना कार्य करते रहते हैं किंतु हम अपने स्तर पर भी बहुत कुछ कर सकते हैं हम यह कतई न सोचें कि यह हमारा कार्य नहीं है एक व्यक्ति विशेष के रूप में एक समाज के सजग सदस्य के रूप में बहुत कुछ आप कर सकते हैं इसी क्रम में आप यह भी कर सकते हैं कि जब हम स्वच्छता और जाति की चर्चा करें तब निश्चित रूप से हम यह सोचने पर मजबूर हों हम हम यह सोचें कि मेरा व्यक्तिगत इसमें क्या योगदान हो सकता है इस तरह से आज हमने जाति और जो स्वच्छता की चर्चा की है इसके लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और पत्रिकाओं का चयन किया है जो अगर आप इस पर विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो यह जो संदर्भ सूची है इस पर आप और ज़्यादा गहन अध्ययन कर सकते हैं यह संदर्भ सूची कुछ इस प्रकार है हेतकर झा की पुस्तक है सैनिटेशन इन इंडिया अ हिस्टोरिको सोशियोलॉजिकल सर्वे बी के नागला की पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ सेनिटेशन रिचर्ड पायस की पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन बिंदेश्वर पाठक की संपादित पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ सेनिटेशन इन्वायरमेंटल सैनिटेशन पब्लिक हेल्थ एंड सोशल डेपिवेशन बिंदेश्वर पाठक की दूसरी पुस्तक है इन्वायरमेंटल सैनिटेशन एंड इरेडिकेशन ऑफ स्केवेंजिंग इन इंडिया यह जाति और स्वच्छता के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है आशीष सक्सेना की पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन जी आर पी सिंह की पुस्तक है स्वच्छता का समाजशास्त्र परिचय अनिल वघेला की पुस्तक है स्वच्छता का समाज शास्त्र इस तरह से आप देख सकते हैं कि इन विभिन्न पुस्तकों का उपयोग आप कर सकते हैं अपने विस्तृत अध्ययन में इस तरह अगर हम निष्कर्ष कहें तो आज हमने जाति क्या है इसकी क्या प्रकृति है और जाति और स्वच्छता किस तरह से अंतर संबंधित है इस पर हमने चर्चा की उसके साथ ही हमने ये भी चर्चा किया कि आपकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है जाति व्यवस्था को स्वच्छता से जोड़ने और स्वच्छता से संदर्भित जो इसमें अंतर्निहित वस्तुएं हैं उस पर आप क्या चिंतन कर सकते हैं आपकी क्या भूमिका हो सकती है एक व्यक्ति के रूप में जिससे आप समाज को एक अच्छा स्वरूप दे सकें और जिससे हमारी यह कर, परिकल्पना साकार हो सके कि हम एक समरसतापूर्ण समाज का निर्माण कर सकें इस तरह से हमने आज ये तीसरी तीसरा व्याख्यान सुना तीसरी जो श्रृंखला की थी हमारा अगला व्याख्यान जो चौथा व्याख्यान रहेगा उसमें हम स्वच्छता और लिंग किस तरह संबंधित है महिलाओं की क्या समस्याएं हैं और स्वच्छता और लिंग से संबंधित बाकी क्या बिंदु हैं उस पर हम परिचर्चा करेंगे आपने गंभीरता पूर्वक ध्यान से यह पाठ्यक्रम सुना इसके लिए आपका धन्यवाद